नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल त्रिशांत एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि पार्ट वन हमारा आ चुका है, आज पार्ट टू मैं लेकर आई हूँ। पार्ट थ्री भी इसका आएगा और अगर आपकी डिमांड होगी तो उसके आगे भी हम पार्ट्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आते या पहली बार सुन रहे हो, उसको नोट डाउन ज़रूर करें और बार बार प्रैक्टिस करें ताकि वो क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाए और उसका आंसर आपके दिमाग में बैठ जाए। तो दोस्तों, वैसे तो पार्ट वन में मैंने बता दिया था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आंसर होंगे, लेकिन हो सकता है हमारे कुछ फ्रेंड्स ने पार्ट वन नहीं देखा हो, आज वो डायरेक्टली पार्ट टू पर आए हों, तो उन्हें मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम वॉच लगेगा। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, 10 सेकंड का आपको टाइम दूंगी। आपको पूरी कोशिश करनी है कि उन 10 सेकंड में अपना आंसर आप सोच कर कमेंट कर दें। अगर आपको नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, 10 सेकंड के बाद उसका राइट आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। पर आप कोशिश ज़रूर करिए कि उन 10 सेकंड में अगर आपको आंसर आता है तो आंसर आप ज़रूर दीजिए। आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक काल, बी आद ऐतिहासिक काल, सी ऐतिहासिक काल एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आद ऐतिहासिक काल। दूसरा प्रश्न, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ए फारूक सियर, बी शाह आलम प्रथम, सी शाह आलम द्वितीय एंड डी शुजाउद्दौला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। तीसरा प्रश्न, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए गुरु नानक, बी चैतन्य, सी रामानंद एंड डी कबीर। और इसका सही जवाब है सी रामानंद। क्वेश्चन फोर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए खजुराहो, बी कुतुब मीनार, सी अजंता गुफाएं एंड डी ताजमहल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अजंता गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था? ए चंड प्रधोत, बी अवंती पुत्र, सी बिंबिसार एंड डी अजात शत्रु। और इसका सही जवाब है डी अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए डी अल्मेडा, बी अल्बू कर्ग, सी डुप्ले एंड डी रॉबर्ट क्लाइव। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आरंभ हुई थी? ए रूस,
बी अमेरिका, सी इंग्लैंड एंड डी फ्रांस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड। क्वेश्चन 9, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मिडा एंड डी अल्बुकर्क। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्मिडा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए शौकत अली, बी सैयद अहमद खान, सी खान अब्दुल गफर खान एंड डी सी राजगोपालचारी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान। दोस्तों आज का वीडियो इतनी जानकारी से समाप्त करती हूँ। आज ये हमारे 10 प्रश्न थे। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की क्लास। इससे पहले भी जो हमारा पार्ट 1 था उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पूछे थे, वो भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी देखा है और पार्ट 1 हमारा नहीं देख रखा है तो पार्ट 1 भी ज़रूर देखना। इसके जस्ट पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था, पार्ट 3 भी इसका आएगा दोस्तों। और अगर डिमांड होती है तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आई होप दोस्तों पार्ट 1 पार्ट भी आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से वो वीडियोज़ भी देखिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनको नोट डाउन करिए, उनको सीखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और इसी तरह से वीडियो को एंजॉय करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। आज का वीडियो देखने के लिए मेरे सारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले से ही है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक स्वतः ही पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।